अब अगर हम बात करें सीधी खतौनी की, जैसे हमने पहले भी देखा कि वैसे हम जनरल के आधार पर लेजर बनाते हैं, लेकिन कई बार सीधी खतौनी वाली बात आती है। यहाँ हम देखते हैं कि जब हम लेजर बनाते हैं तो वो थर्ड स्टेप होता है। एक तो हम मेमोरेंडम बुक रखते हैं, स्मरण पुस्तिका रखते हैं, जिसमें हम अपने सभी व्यवहारों को लाइन से तिथिवार लिख देते हैं। उस मेमोरेंडम पुस्तिका के आधार पर हम बनाते हैं जनरल मेमोरेंडम पुस्तिका से हम जनरल पोस्टिंग करते हैं, और जनरल जब हम बनाते हैं तो उस जनरल के आधार पर फिर हम बनाते हैं लेजर। जब बात सीधी खतौनी की आती है कि डायरेक्ट पोस्टिंग करिए लेजर में, तो यहाँ से हम जनरल को गायब कर देते हैं और मेमोरेंडम बुक से सीधे हम खाता बही में पहुँच जाते हैं। यानी कि जो हमारे प्रश्न होते हैं उनको हम माइंड में रखकर डायरेक्ट पोस्टिंग कर देते हैं लेजर में। थोड़ी सी परेशानी वाली स्थिति यहाँ पर बनती है, कई बार हम सही सही जनरल एंट्री नहीं कर पाते हैं, पोस्टिंग करने में गलत हो जाती है। जनरली जब जनरल एंट्री हमारे सामने होती है, कॉपी में लिखी हुई होती है, तब हम बहुत सही तरीके से उसकी पोस्टिंग खाता बही में कर पाते हैं। तो ऐसी स्थितियों से बचने के लिए ज़्यादातर प्रयास किया जाता है कि जनरल पहले बनाएं और फिर जनरल के आधार पर पोस्टिंग करें। लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो कई बार परीक्षा में डायरेक्ट पोस्टिंग यानी सीधी खतौनी की बात की जाती है, तो हमको अपनी प्रैक्टिस डायरेक्ट पोस्टिंग की भी बना के रखनी है। निम्नलिखित व्यवहारों से अभय का खाता तैयार कीजिए। वर्ष 2013 1 जनवरी, प्रारंभिक डेबिट शेष 1500 रुपये। 2 जनवरी, उन्हें उधार माल बेचा 800 रुपये। 5 जनवरी, उनसे नगद प्राप्त हुए 7850 रुपये। 5 जनवरी, उन्हें बट्टा दिया 150 रुपये। 12 जनवरी, उनसे उधार माल खरीदा 5000 रुपये। 15 जनवरी, उन्हें नगद चुकाए 4980 रुपये। 15 जनवरी, उनसे बट्टा प्राप्त हुआ 20 रुपये। 19 जनवरी, उन्हें नगद माल बेचा 1000 रुपये। 21 जनवरी, उन्हें उधार माल बेचा 7000 रुपये। इस प्रश्न में केवल अभय का खाता हमें तैयार करना है। यहाँ पर हम देखेंगे कि अभय का खाता जनरल एंट्री के हिसाब से क्या हो रहा है, यानी डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर उस साइड में हम जो दूसरी जो एंट्री है, अपोजिट जो एंट्री है, उसकी पोस्टिंग हम यहाँ पर करेंगे। तो जैसे फर्स्ट जो पॉइंट है उसमें प्रारंभिक डेबिट शेष दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम अभय का जो खाता बनाएंगे उसके डेबिट साइड में टू बैलेंस BD 1500 लिख देंगे 1 जनवरी को, और अब हम जनरल एंट्री के बेस पे पोस्टिंग करेंगे। तो 2 जनवरी की जनरल एंट्री है, उन्हें उधार माल बेचा, तो यहाँ पर हमारी जनरल एंट्री होगी अभय का, क्योंकि हम खाता तैयार कर रहे हैं और अभय को उधार माल बेचा ये माना जाएगा, तो जनरल एंट्री यहाँ पर होगी अभय डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ क्योंकि अभय का खाता डेबिट हो रहा है, तो हम अभय के खाते के डेबिट साइड में लिखेंगे 2 जनवरी को टू सेल्स अकाउंट 8000। उसके बाद 5 जनवरी को दो पॉइंट दिए हुए हैं, दो ट्रांजैक्शन एक साथ है इसमें, उनसे नगद प्राप्त हुए और उन्हें बट्टा दिया, तो जो हमने उनको माल बेचा था 8000 का, उसके बदले में हमको पैसा मिल रहा है और साथ में डिस्काउंट हम क्योंकि दे रहे हैं, जब भी हम किसी से रिसीव करते हैं तो डिस्काउंट हमको देना होता है। यहाँ पर हमारी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू अभय, तो क्योंकि टू अभय यानी कि अभय का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पर हम अभय के अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट बाय डिस्काउंट अकाउंट, और कैश अकाउंट में हम लिखेंगे जो हमको रिसीव हो रहा है 7850, और डिस्काउंट में हम लिखेंगे 150 जो हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं। नेक्स्ट 12 जनवरी को उनसे उधार माल खरीदा, यानी कि अभय से उधार माल खरीदा, तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी परचेस अकाउंट डेबिट टू अभय, तो यहाँ पर फिर अभय का खाता क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ हम अभय के खाते के क्रेडिट साइड में बाय परचेस अकाउंट लिखेंगे 5000 से। 15 जनवरी को जो ट्रांजैक्शन है यहाँ पर, उसमें नगद चुकाए हैं और बट्टा प्राप्त हुआ, यानी अभय को हमने नगद पैसा दिया है और उनसे बट्टा प्राप्त हुआ है, तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी अभय डेबिट, क्योंकि अभय प्राप्त करने वाला है, टू कैश टू डिस्काउंट, अभय डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट,
तो क्योंकि अभय का अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो यहाँ पर हम अभय के अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश 4980 और टू डिस्काउंट 20 रुपीज। उसके बाद 19 जनवरी को उन्हें नगद माल बेचा, क्योंकि अभय को हमने नगद माल बेचा है। अब ये क्योंकि कैश है, नगद बेचा गया है, तो यहाँ पर अभय के नाम का कोई महत्व नहीं है। यहाँ पर यहाँ हम जो एंट्री करेंगे वो हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि जब भी हम नगद माल बेचेंगे तो कैश आएगी हमारे पास, तो यहाँ एंट्री हो रही है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो यहाँ क्योंकि अभय का खाता प्रभावित नहीं हो रहा है, तो इस एंट्री की अभय के खाते में किसी प्रकार से कोई एंट्री नहीं की जाएगी। उसके बाद 21 जनवरी को उन्हें उधार माल बेचा, तो यहाँ पर क्योंकि अभय को उधार माल बेचा गया है तो इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी अभय डेबिट टू सेल्स। तो क्योंकि अभय डेबिट हो रहा है तो अभय के अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू सेल्स और 7000 से उसकी एंट्री करेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि हमको इसको क्लोज करना है, बैलेंस निकालना है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि डेबिट का टोटल कितना है और क्रेडिट का कितना है। तो यहाँ हमको डेबिट का टोटल जो है वो ज्यादा दिख रहा है, और डेबिट का टोटल आ रहा है यहाँ पे 21,500, और इसमें से हम क्रेडिट का टोटल अगर माइनस कर देते हैं यानी कि 7,850, 150 और 5,000, ये सब अगर हम इसमें से माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बैलेंस बचता है 31 जनवरी को 8,500। तो इसको हम क्रेडिट साइड में ले आएंगे बाय बैलेंस सीडी 8,500, और यहाँ पर हम अभय का खाता बंद कर देंगे, और फिर ये जो क्लोजिंग बैलेंस है इसको नेक्स्ट मंथ फिर हम 1 फरवरी को बैलेंस ओपनिंग बैलेंस के रूप में डेबिट साइड में ट्रांसफर कर लेंगे 8,500 से। अब अगर बात करें संपत्ति खाते की, तो हम संपत्ति खाते भी बनाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो संपत्ति खाते होते हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हमको पता चल सके कि संपत्तियों की स्थिति व्यापार में क्या है, उस वैसी ही है, वृद्धि हुई है या कमी हुई है, इस तरह की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में अगर हम संपत्ति की वृद्धि की बात करें तो संपत्ति की जब भी वृद्धि होती है संपत्ति खाता डेबिट होता है, जब भी संपत्ति की कमी होती है संपत्ति खाता क्रेडिट होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम संपत्तियों पर ह्रास लगाते हैं, मूल्यह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन लगाते हैं, तो उसकी भी एंट्री हम संपत्ति खाते में करते हैं क्रेडिट साइड में। कुल मिलाकर अगर हम जनरल एंट्री के बेस पर इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझें तो हम देखते हैं कि जब भी हम कोई स्थायी संपत्ति खरीदते हैं तो उसको हम डेबिट में लिखते हैं और क्रेडिट में हम लिखते हैं बाय कैश। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने एक फर्नीचर खरीदा तो हम उसकी जनरल एंट्री करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। मान लीजिए हमने एक मशीनरी खरीदी तो हम यहाँ पर एंट्री करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। इसके विपरीत अगर हमने मान लीजिए एक फर्नीचर बेचा तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। मान लीजिए हमने मशीनरी बेची तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब संपत्ति हमारे पास आ रही है तो संपत्ति अकाउंट हम डेबिट कर रहे हैं, संपत्ति जब हमारे पास से जा रही है तो संपत्ति अकाउंट हम क्रेडिट कर रहे हैं। अब बात करें अगर हम डेप्रिसिएशन की, तो अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं किसी एसेट्स पे तो वहाँ पर हम जनरल एंट्री करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, जिस पे भी वो हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, अगर मशीन पे चार्ज कर रहे हैं तो टू मशीन। और इस जनरल एंट्री के अकॉर्डिंग मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं बाय डेप्रिसिएशन। तो जब भी हम संपत्ति खाता बनाते हैं, मशीनरी अकाउंट बनाते हैं, तो इन सारे कंसेप्ट को फॉलो करते हुए हमको संपत्ति खाता बनाना है। आइए संपत्ति खाते के बारे में एक उदाहरण को देखें। निम्नलिखित विवरणों से मशीन खाता बनाइए। 2013 1 जनवरी मशीन खाते का शेष 2,000 रुपये, 1 जनवरी मशीन खरीदी 4,000 रुपये, 30 जून मशीन बेची 400 रुपये, 31 दिसंबर मशीन पर ह्रास 10% वार्षिक की दर से लगाइए। यहाँ हमको सिर्फ मशीन खाता बनाना है, मशीन एक स्थायी संपत्ति है और जब हम उसको खरीदते हैं तो संपत्ति का नाम डेबिट होता है, यानी कि जब भी हम मशीन खरीदते जाएंगे वो डेबिट साइड में आते जाएगा। जनरल एंट्री के बेस पे जब हम इसकी पोस्टिंग लेजर में यानी कि मशीन खाते में करते हैं तो किस प्रकार से हम इसकी पोस्टिंग करेंगे आइए देखते हैं। फर्स्ट जो एंट्री है उसमें 1 जनवरी को मशीन खाते का शेष दिया गया है। अब क्योंकि संपत्ति का डेबिट शेष होता है इसको हम डेबिट साइड में सबसे पहले ट्रांसफर कर लेंगे टू बैलेंस बीडी 2000। उसके बाद 1 जनवरी को मशीन खरीदी है तो इसकी जनरल एंट्री होगी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो मशीन अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट 4000।
उसके बाद मशीनरी अकाउंट, उसके बाद 30 जून को मशीन बेची गई है, तो यहाँ पर हम एंट्री जो जनरल एंट्री होगी वो हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो क्योंकि यहाँ मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश, तो यहाँ हम मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट और 400 से उसकी एंट्री करेंगे। इसके बाद 31 दिसंबर को मशीन पे 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, तो पहले हम डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कर लेंगे। तो डेप्रिसिएशन के कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 6000 की जो मशीनरी है उस पर अगर हम 10% पर एनम के रेट से 6 मंथ का डेप्रिसिएशन निकालते हैं, यानी कि 6000 इंटू 10 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12, तो 300 इसका डेप्रिसिएशन आता है। और फिर क्योंकि 400 रुपये में एक मशीनरी बेच दी गई है, तो अगले 6 महीने हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो केवल 5600 के रेट से ही करेंगे, क्योंकि बीच में 6 मंथ में एक मशीन बिक गई है 400 की। तो अब हमारे पास जो मशीन है वो 5600 की है, तो उस पर हम 10% पर एनम 6 मंथ का कैलकुलेशन करते हैं, तो 280 इसका डेप्रिसिएशन आता है। तो टोटल डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट है वो 580 रुपीज हो जाएगी। अब इस 580 का हम जब जनरल एंट्री जब हम बनाएंगे, तो हमारी जनरल एंट्रीज में हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक लॉस है इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे और मशीनरी में से वो डिडक्ट होगा, तो इसलिए हम मशीनरी अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट कर रहे हैं। तो यहाँ मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में 31 दिसंबर को हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 580। तो इतनी एंट्री हमको करनी थी वो हमने कर ली है। अब मशीनरी अकाउंट का हम बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ डेबिट साइड में हम देख रहे हैं कि टोटल जो है वो 6000 है, इसमें से हम क्रेडिट टोटल को माइनस कर देंगे, यानी 400 और 580 को हम माइनस कर देंगे, तो 5020 जो है बैलेंस बचेगा, जिसे हम लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी और यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। जिस तरह से संपत्ति खाता बनाया जाता है वैसे ही दायित्व खाता भी बनाया जाता है। जब हम दायित्व खाता बनाते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्योंकि वो लायबिलिटी है, इसका जो बैलेंस है वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही आएगा, लायबिलिटी क्योंकि है ये। और यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हम फॉलो करते हैं उसमें हम देखते हैं कि जब दायित्व में कमी होती है तो वो डेबिट में आता है, दायित्व में जब वृद्धि होती है तो वो क्रेडिट में आता है। एक अगर हम बात करें कि कब कमी होती है कब वृद्धि होती है, तो बहुत आसान सा एक कंसेप्ट हम लगा सकते हैं कि जब हम उधार लेंगे किसी से, ऋण लेंगे, बैंक से लोन लेंगे, किसी व्यक्ति से लोन लेंगे, या फिर हम उधार माल खरीदेंगे किसी से, उधार क्रय करेंगे, तो ये ऐसी स्थितियाँ बनती है जब हमारे लेनदार बनते हैं, यानी दायित्व हमारा बढ़ता है। इसके विपरीत जब हम लोन पे कर देते हैं, या हमने जिससे उधार खरीदा था उसको हम पे कर देते हैं, या हम अपने विपत्रों को पे कर देते हैं, तो ये ऐसे कंडीशन बनते हैं जिनसे जो हमारा दायित्व होता है वो कम होता जाता है। तो इन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए, सब जो रूल है उनको फॉलो करते हुए हम दायित्व खाता बनाते हैं। आइए दायित्व खाते से संबंधित कुछ क्रियात्मक प्रश्नों को देखें। निम्न सूचनाओं के आधार पर मदन लाल का खाता बनाइए। 2012 एक जुलाई मदन लाल के खाते का क्रेडिट शेष 4000 रुपये, 15 जुलाई मदन लाल को भुगतान किया 2000 रुपये, 14 अगस्त मदन लाल से माल खरीदा 8000 रुपये, 30 अक्टूबर मदन लाल को चुकाए 3960 रुपये, बट्टा मिला 40 रुपये, 18 नवंबर मदन लाल से माल खरीदा 4000 रुपये। यहाँ पर हम ये दायित्व का खाता बना रहे हैं और मदन लाल का ये खाता है जिसमें हम देख रहे हैं कि इसका जो क्रेडिट शेष है, क्रेडिट बैलेंस पहले से दिया गया है 4000, जिसको कि क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है ये और वैसे भी दायित्व का खाता है तो क्रेडिट साइड में इसका बैलेंस आएगा। तो सबसे पहले 1 जुलाई 2012 को हम इसका बैलेंस ट्रांसफर कर लेंगे क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी 4000 से, और फिर उसके बाद 15 जुलाई की हम एंट्री करेंगे मदन लाल को भुगतान किया। तो क्योंकि मदन लाल को यह भुगतान किया गया है, इसकी जनरल एंट्री होगी मदन लाल डेबिट टू कैश। अब क्योंकि मदन लाल का अकाउंट डेबिट हो रहा है तो हम मदन लाल के अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश और अमाउंट हम इसके लिख देंगे 2000। 14 अगस्त को मदन लाल से माल खरीदा, उधार क्रय है यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी परचेस अकाउंट डेबिट टू मदन लाल। अब क्योंकि मदन लाल का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो मदन लाल के अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय परचेस अकाउंट और इसकी अमाउंट लिख देंगे 8000।
30 अक्टूबर को हम देख रहे हैं मदन लाल को चुकाए हैं और बट्टा मिला है। तो मदन लाल को हमने चुकाया है 3,960 रुपए और 40 रुपए उनसे हमको बट्टा मिला है। तो क्योंकि पाने वाला जो है वो मदन लाल है, यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी मदन लाल डेबिट 2 कैश 2 डिस्काउंट, क्योंकि बट्टा हमको मिल रहा है और कैश हम पेमेंट कर रहे हैं इसलिए ये दोनों चीजें क्रेडिट होंगी, और मदन लाल पाने वाला है इसलिए मदन लाल का खाता डेबिट होगा। तो जनरल एंट्री के बेस पे मदन लाल डेबिट 2 कैश 2 बट्टा 2 डिस्काउंट, यानी कि मदन लाल के अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे 2 कैश 3,960 2 डिस्काउंट 40 रुपीज। 18 नवंबर को मदन लाल से माल खरीदा, यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी परचेस अकाउंट डेबिट 2 मदन लाल। तो क्योंकि मदन लाल का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो मदन लाल के अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय परचेस अकाउंट और 4,000 से इसकी एंट्री करेंगे। तो जितने भी पॉइंट्स इसमें दिए गए थे वो सब कंप्लीट हमने कर लिए हैं। अब अगर टोटल करके देखते हैं तो यहाँ पर क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, 16,000 है, इसमें से हम डेबिट टोटल यानी कि 4,000 को माइनस कर देते हैं तो 10,000 जो है वो हमारा बैलेंस बचता है, जिसे हम 31 दिसंबर को ट्रांसफर करेंगे डेबिट साइड में टू बैलेंस सीडी 10,000, और 16,000 टोटल से हम इसको क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट 1 जनवरी को नेक्स्ट ईयर फिर हम इसको ये जो हमारा क्रेडिट बैलेंस आया है डेबिट साइड में 10,000 उसको वापस हम ओपनिंग बैलेंस के रूप में 1 जनवरी 2013 को क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी करके 10,000 को वापस ले आएंगे। अब इसी तरह से हम बनाते हैं पूंजी खाता। हमने देखा कि जब भी हम खाता बनाना शुरू करते हैं पूंजी खाते के बारे में हमको बहुत सारी जानकारियाँ वहाँ पर दी गई होती हैं। पूंजी खाता एक ऐसा खाता है जिसका शेष जो है वो जनरली क्रेडिट शेष ही होता है, और जब हम चिट्ठा बनाते हैं तो इसको हम दायित्व पक्ष में लिखते हैं। कई बार कभी ऐसी स्थिति हो सकती है कि डेबिट शेष हो, तो ऐसी कंडीशन में हम उसको संपत्ति पक्ष में लिखते हैं। बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें इसमें जोड़ी और घटाई जाती है। वास्तव में कैपिटल जो है पूंजी जो है उसका अलग से खाता बनाने या उसको अलग से उसकी एंट्री करने का एक सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है वो ये होता है कि जैसे कि हमने पहले भी देखा कि व्यापार का जो स्वामी होता है उसका अस्तित्व व्यापार से पृथक होता है। इसके लिए ये कारण ये है कि खुद भी जब वो पैसा लाता है व्यापार में तो ये माना जाता है कि पूंजी उसने लाई है, एक दायित्व है वो उसको वापस अर्न करनी है। तो यहाँ पर कुछ बातों को हमको ध्यान में रखना है। पूंजी खाते से संबंधित जो विषय है उनको हम यहाँ पर एक बिंदुवार देखें। तो यहाँ हम देखते हैं कि पूंजी खाता जो है एक तो क्रेडिट शेष होता है, दायित्व हमें हम इसको लिखते हैं, और अगर पूंजी पर ब्याज संबंधी कुछ पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं तो उसको हम पूंजी में जोड़ देते हैं। जो लाभ हानि खाते का जो शेष होता है वो भी आर्थिक चिट्ठी में ट्रांसफर होता है और पूंजी को प्रभावित करता है। तो यहाँ हमको एक बात ध्यान रखना है कि अगर लाभ दिया गया है तो उसको हम पूंजी में जोड़ेंगे, और अगर हानि दी गई है तो उसको हम पूंजी में से घटा देंगे। ठीक इसी प्रकार आहरण भी प्रभावित करता है, आहरण पर ब्याज भी प्रभावित करता है पूंजी को। तो अगर प्रश्न में किसी प्रकार से आहरण या आहरण पर ब्याज संबंधी कोई जानकारी दी गई है तो उसको हम पूंजी में से घटा देंगे। ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हमको जनरल करना है, और फिर उस जनरल के आधार पर हमको पूंजी खाते में लेजर ट्रांसफ़र जो है वो करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखना है हमको कि जो पूंजी खाता हम बनाएंगे तो उसका जो क्लोजिंग जो बैलेंस होता है, अंतिम जो शेष होता है पूंजी खाते का, उसको हम पूंजी का अंतिम शेष कहते हैं यानी अंतिम पूंजी कहते हैं। और नेक्स्ट ईयर जब फिर से हम अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो वही जो पिछले साल का अंतिम शेष होता है पूंजी का वो फिर से प्रारंभिक पूंजी के रूप में हम उसको ट्रांसफ़र करके ले आते हैं। तो इन सब कॉन्सेप्ट को हमको ध्यान में रखते हुए जनरल के आधार पर फिर लेजर पोस्टिंग करनी है। आइए पूंजी खाते के आधार पर किस प्रकार से खाता बही में खतौनी की जाती है उससे संबंधित क्रियात्मक प्रश्नों को देखें। निम्न सूचनाओं से एक व्यापारी का पूंजी खाता बनाइए वित्तीय वर्ष 2012 के लिए। पहला, वर्ष के प्रारंभ में शेष 2,000 रुपए। दूसरा, वर्ष में अतिरिक्त पूंजी लगाई 5,000 रुपए। तीसरा, पूंजी पर ब्याज 1,000 रुपए। चौथा, आहरण 4,000 रुपए। पांचवा, आहरण पर ब्याज 200 रुपए। यहाँ हमको पूंजी खाता बनाना है
पूंजी एक प्रकार का दायित्व है और उसका हमेशा क्रेडिट शेष होता है, इसलिए हम सबसे पहले वर्ष के प्रारंभ का जो शेष दिया गया है 20,000, उसको हम कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर लेंगे बाय बैलेंस बीडी 20,000। सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है वर्ष में अतिरिक्त पूंजी लाई, ये एडिशनल कैपिटल है, फिर से हम इसको लेके आ रहे हैं, तो यहाँ एक तो ये क्रेडिट बैलेंस रहता है कैपिटल का, तो डायरेक्ट हम इसको क्रेडिट में लिख सकते हैं, लेकिन एक जनरल भी अगर हम देखें तो यहाँ पर क्योंकि कैपिटल आ रही है, या जैसे हम बात करते हैं कि फर्म में पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ किया, तो वहां पे भी हम एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट कर रहे हैं, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में यहाँ पर हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 5,000। अब पूंजी पर ब्याज दिया गया है, तो पूंजी पर जब भी ब्याज दिया जाता है वहां पर हम जनरल एंट्री करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल से ही वो मैनेज होता है, तो क्योंकि हमारे यहाँ पर जनरल एंट्री हुई है बाय इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट और 1000 से इसकी एंट्री करेंगे। उसके बाद है ड्रॉइंग, इसी अमाउंट में से कुछ आहरण किया गया है, तो जब भी हम आहरण करेंगे तो ये अमाउंट कैपिटल की जो है वो कम हो जाएगी, तो हम इसकी एंट्री करेंगे कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग अकाउंट, और क्योंकि कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में हम टू ड्रॉइंग अकाउंट लिखेंगे और 4000 से इसकी एंट्री करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में आहरण पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया गया है, जब भी आहरण पर हम ब्याज लगाते हैं तो वहां पर हमारी जनरल एंट्री होती है कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट लिखेंगे और 200 से इसकी एंट्री हम करेंगे, क्योंकि ये ऐसे कंडीशंस है, चाहे वो ड्रॉइंग हो चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, दोनों ही कंडीशन में कैपिटल की जो अमाउंट रहती है वो कम होती है, तो जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें से हम इसको माइनस करते हैं, और यहाँ पे हम ये मानते हैं कि क्योंकि कैपिटल, क्योंकि हम यहाँ पे जनरल के बेस पे लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं, तो कैपिटल यहाँ पे क्योंकि डेबिट हो रहा है तो उसके डेबिट साइड हमने ये पोस्टिंग की है। अब हम इसका बैलेंस निकाल लेंगे, तो जाहिर सी बात है कि ये पूंजी खाता है, कैपिटल अकाउंट है, क्रेडिट बैलेंस इसका होता है, क्रेडिट साइड ज्यादा होगा, तो टोटल हम देख रहे हैं कि क्रेडिट साइड का 26,000 है, जिसमें से हम डेबिट का जो टोटल है 4,000 और 200 माइनस कर देंगे, तो बैलेंस जो बचता है वो हो जाएगा 21,800, जो कि क्लोजिंग बैलेंस मानेंगे, और फिर ओपनिंग बैलेंस के रूप में अगेन उसको हम वर्ष 2013 में फिर से बाय बैलेंस बीडी करके ट्रांसफर कर लेंगे 21,800 से। इसके बाद हम करते हैं प्रारंभिक और अंतिम प्रविष्टियां हैं। इसके बाद हम करते हैं प्रारंभिक और अंतिम प्रविष्टियां। आइए देखते हैं प्रारंभिक प्रविष्टियों के अंतर्गत क्या किया जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यापारी द्वारा व्यापार के अंत में अपने खाते क्लोज किए जाते हैं, बंद किए जाते हैं, जैसे कि हमने पहले के वीडियोस में देखा था कि या तो कैलेंडर वर्ष में या वित्तीय वर्ष में, या फिर व्यापारी अपनी सुविधा के अनुसार जब चाहे वो अपने खातों को क्लोज कर सकता है, बंद कर सकता है। तो जब ये खाते बंद किए जाते हैं तो यहाँ पर अंतिम प्रविष्टियाँ की जाती हैं और शेष निकाला जाता है विभिन्न खातों का, जिस तरह से हमने खाता बही में देखा कि किस प्रकार से शेष हम निकालते हैं, उसके आधार पर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, यानी कि तलपट बनाते हैं, और फिर हम उनके जो शेष होते हैं उसके आधार पर अंतिम खातों का निर्माण करते हैं। वास्तव में इन अंतिम खातों में जो अंतिम शेष आते हैं वो हालांकि उस वर्ष के अंत के अंतिम शेष होते हैं, लेकिन उसके आने वाले वर्ष के लिए, वो आगामी वर्ष के लिए प्रारंभिक शेष कहलाते हैं। तो ये जो प्रारंभिक शेष होते हैं उनको दर्शाने के लिए जो प्रविष्टियाँ की जाती हैं वर्ष के प्रारंभ में, वो प्रारंभिक प्रविष्टियाँ कहलाती हैं। और अगर हम देखें कि वास्तव में ये जो प्रारंभिक प्रविष्टियाँ होती हैं, किस प्रकार से हम इसके अंतर्गत संपत्ति दायित्व और विभिन्न प्रकार के आय व्यय की प्रविष्टियाँ करते हैं, तो सबसे पहले हम ये जनरल एंट्री देखते हैं कि संपत्तियों के लिए हम किस प्रकार से एंट्रीज करते हैं। तो यहाँ हम जनरल एंट्री करते हैं वेरियस एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट, वेरियस लाइबिलिटी अकाउंट। यहाँ क्योंकि एसेट्स और लाइबिलिटी दोनों को हम डेबिट और क्रेडिट करके इक्वल करते हैं, कुल मिलाकर इसका कहने का उद्देश्य यह है कि वर्ष के अंत में एसेट्स और लाइबिलिटी दोनों समान हैं।
यहाँ अगर हम चाहें तो सूत्र के आधार पर हम एसेट्स और लायबिलिटी को शो कर सकते हैं, और उसके लिए हम सीधा सीधा सा सूत्र लिख सकते हैं, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी, या हम लिख सकते हैं एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैपिटल को अगर हम अलग मानकर, हालांकि वो भी एक लायबिलिटी है, लेकिन अलग करके हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि हमने लेखांकन समीकरण के अंतर्गत देखा। तीसरा है कि यहाँ पर हम अगर रोकड़ की कैलकुलेशन करना चाहे सूत्र के माध्यम से, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कैश इक्वल टू लायबिलिटी माइनस रिमेनिंग एसेट्स, जो एसेट्स वर्ष के अंत में बच गई हैं डेप्रिशिएट होने से और बिकने से, टूट फूट होने से, जो बची है हमारे पास टोटल जो एसेट्स है उनको हम माइनस करके कैश कैलकुलेट करते हैं। अगर हम बात करें कैपिटल की, तो कैपिटल कैलकुलेशन में यहाँ पर हम देखते हैं कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस रिमेनिंग लायबिलिटीज, जो लायबिलिटीज वर्ष के अंत में बच गई हैं, जिनकी पेमेंट हमने कर दी वो तो लायबिलिटीज हमारी खत्म हो गई, लेकिन जिनकी पेमेंट अभी तक नहीं की जा सकी है उनको हम यहाँ पर लेस कर देते हैं। साथ ही अगला जो, अगर हम अदर लायबिलिटी यहाँ पर हम कैलकुलेट करना चाहें, तो यहाँ हम सूत्र का प्रयोग करते हैं अदर लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स माइनस रिमेनिंग लायबिलिटीज। अब इन्हीं प्रारंभिक प्रविष्टियों के साथ अगर हम खतौनी करना चाहें, तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो जनरल एंट्रीज होती हैं, ओपनिंग एंट्रीज हम करते हैं इन्हीं के आधार पर, जिस तरह से हमने अभी तक खतौनी के बारे में जाना उसी तरह से हम खतौनी करते हैं, और जो भी बैलेंसेस होते हैं शेष जो होते हैं उसकी एंट्री हम करते हैं। जब हम ये सारी एंट्री जब हम डेबिट साइड में करते हैं तो हम वहाँ पर टू बैलेंस बी डी लिखते हैं, और क्रेडिट में करते हैं तो बाय बैलेंस बी डी लिखते हैं। इसको हमने पहले भी अपनी कैलकुलेशन में देखा है। तो आइए प्रारंभिक प्रविष्टियों से संबंधित कुछ प्रश्नों पर एक नजर डालें। 31 मार्च 2000 को एक व्यापारी का चिट्ठा निम्नलिखित था। दायित्व में ऋणदाता रवि 2400, दायित्व में ऋणदाता रवि 2400, राजेंद्र 1900, बिल्स पेबल 1500, कैपिटल 8100, टोटल 13900, एसेट्स में कैश इन हैंड 2100, कैश एट बैंक 1200, स्टॉक 7500, डेटर्स पारस 1500, कैलाश 800, फर्नीचर 800, टोटल 13900। 1 अप्रैल 2000 को उसके जनरल में प्रारंभिक प्रविष्टियां कीजिए और खाता बही में खतौनी कीजिए। इसके अंतर्गत सबसे पहले जब हम जनरल एंट्री करेंगे, तो जिस तरह से हमने देखा कि प्रारंभिक प्रविष्टियों के अंतर्गत वेरियस एसेट्स डेबिट टू वेरियस लायबिलिटीज एंट्री की जाती है, तो यहाँ पर हम सभी एसेट्स को डेबिट में और लायबिलिटीज को क्रेडिट में लिखेंगे। यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी 2000 अप्रैल 1, कैश अकाउंट डेबिट 2100, बैंक अकाउंट डेबिट 1200, स्टॉक अकाउंट डेबिट 7500, सन्ड्री डेटर्स 2300, फर्नीचर डेबिट 800, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स रवि 2400, राजेंद्र 1900, टू बिल्स पेबल 1500, टू कैपिटल 8100। यहाँ हम देख रहे हैं कि डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का हम टोटल करते हैं, तो 13900 से ये जनरल एंट्री क्लोज हो जाती है, और यहाँ हम नरेशन लिखेंगे बैलेंस ऑफ प्रीवियस ईयर ब्रॉट इन। यहाँ हम सन्ड्री डेटर्स में पारस और कैलाश को ऐड करके लिखेंगे 2300, और एक चीज का हमको ध्यान में रखना है कि हमने क्रेडिटर्स जो है वो 2400 और 1900 को ऐड करके लिखा है 4300। इस प्रश्न के आधार पर जब प्रारंभिक प्रविष्टियों की खतौनी की जाएगी, तो यहाँ पर जितने भी अकाउंट हमको दिखाई दे रहे हैं सबके लिए एक अलग अकाउंट ओपन किया जाएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले हम कैश अकाउंट बनाएंगे और बिल्कुल उसी फॉर्मेट में बनाएंगे जैसे कि पहले हमने देखा था, और क्योंकि कैश अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो रहा है और कैश अकाउंट में हम कैश का बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे, तो डेबिट साइड में हम एंट्री करेंगे 2000 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी 2100। बिल्कुल इसी तरह से हम बैंक अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि अभी हम जनरल ओपनिंग जनरल कर रहे हैं, हम क्लोजिंग नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम बैलेंस यहाँ पे ट्रांसफर नहीं करेंगे।
अब बैंक अकाउंट जब हम बनाएंगे तो क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसलिए हम बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में 2000 अप्रैल 1st टू बैलेंस बीडी 1200 लिखकर यहीं पे क्लोज कर देंगे। बैलेंस ट्रांसफर हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि हम ओपनिंग एंट्रीज के लिए खतौनी कर रहे हैं। तीसरा, हमने स्टॉक अकाउंट बनाया है और यहाँ हमने देखा है कि स्टॉक क्योंकि एसेट्स है और स्टॉक अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो बिल्कुल इसी फॉर्मेट में हम स्टॉक अकाउंट के डेबिट साइड में डेट डालेंगे 1st अप्रैल 2000 और टू बैलेंस बीडी लिखकर 7500 से क्लोज करेंगे। पारस का अकाउंट भी क्योंकि यहाँ पर डेबिट हो रहा है, इसलिए हम पारस के अकाउंट के डेबिट साइड में 1st अप्रैल 2000 टू बैलेंस बीडी 1500 से क्लोज करेंगे। हमको ध्यान रखना है कि जिस अकाउंट का को हम बना रहे हैं वो हमारी जनरल एंट्री में क्या हुआ है, अगर वो डेबिट हुआ है तो हम उसके डेबिट में एंट्री करेंगे और अगर वो क्रेडिट हुआ है तो हम उसके क्रेडिट में एंट्री करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैलाश का अकाउंट भी हमारी जनरल एंट्री में डेबिट हुआ है, तो यहाँ हम जनरल एंट्री करेंगे कैलाश के डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी 800, डेट हम डालेंगे 2000 अप्रैल 1st और क्लोज कर देंगे। फर्नीचर अकाउंट हम बनाएंगे और जनरल एंट्री में हम देख रहे हैं कि फर्नीचर जो है वो डेबिट हुआ है, तो फर्नीचर अकाउंट के डेबिट साइड में 1st अप्रैल 2000 को हम लिखेंगे टू बैलेंस बीडी और 800 से हम इसको क्लोज कर देंगे। रवि का अकाउंट हम देख रहे हैं कि जब हमने जनरल एंट्री की है तो रवि का अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो रवि के अकाउंट के क्रेडिट साइड में 1st अप्रैल को हम एंट्री करेंगे बाय बैलेंस बीडी और 2400 है जनरल में, तो 2400 से हम इसको क्लोज करेंगे। राजेंद्र का अकाउंट हम देख रहे हैं कि क्रेडिट हुआ है, तो राजेंद्र के अकाउंट के क्रेडिट साइड में 1st अप्रैल 2000 बाय बैलेंस बीडी और 1900 से हम इसको क्लोज कर देंगे। एक लायबिलिटी हम और देख रहे हैं यहाँ पर जनरल एंट्री में, बिल्स पेबल, और क्योंकि बिल्स पेबल है लायबिलिटी है और जनरल में भी हमने देखा कि ये क्रेडिट हो रहा है, तो बिल्स पेबल अकाउंट के क्रेडिट साइड में 1st अप्रैल 2000 लिखकर हम बाय बैलेंस बीडी 1500 से इस अकाउंट को क्लोज करेंगे। और फिर हमको कैपिटल अकाउंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है 8100 से, और क्योंकि वो क्रेडिट हो रहा है तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम 1st अप्रैल 2000 बाय बैलेंस बीडी 8100 लिखकर इसको क्लोज कर देंगे। तो आपने देखा कि किस प्रकार प्रारंभिक प्रविष्टियों से संबंधित क्रियात्मक प्रश्नों को हल किया जाता है। अब अगर हम बात करें अंतिम प्रविष्टियों की, तो यहाँ पर जो वर्ष के अंत में जो प्रविष्टियाँ की जाती हैं वही प्रविष्टियाँ अंतिम प्रविष्टियाँ कहलाती हैं। जब हम जनरल एंट्री करते हैं उसके आधार पर हम लेजर बनाते हैं, उसका जो बैलेंस होता है उसके आधार पर हम ट्रायल बैलेंस यानी कि तलपट बनाते हैं, और फिर वही जो शेष होते हैं जिसको हम तलपट के आधार पर लिखते हैं उन्हीं शेष के आधार पर हम अंतिम प्रविष्टियाँ करते हैं। और इसके अंतर्गत हम दो तरह के खातों का निर्माण करते हैं, एक व्यापारिक खाता और दूसरा लाभानि खाता। व्यापारिक खाते पे जो प्रविष्टियों के जो नियम होते हैं उस पर एक नज़र डालें तो हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत सभी प्रकार के जो प्रत्यक्ष व्यय होते हैं यानी निर्माण में उत्पादन में जिनका डायरेक्ट रोल रहता है, प्रत्यक्ष जो जिनका हाथ होता है, उन सभी प्रविष्टियों को हम इसके अंतर्गत करते हैं। वो सभी प्रत्यक्ष व्यय व्यापार खाते के डेबिट साइड में लिखाए जाते हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण ये हमको ध्यान में रखना है कि इसी के अंतर्गत हम डेबिट साइड में प्रारंभिक रहतिया यानी गत वर्ष से इस वर्ष जो हमने स्टॉक ट्रांसफ़र किया, जो बचा हुआ स्टॉक हमारा पिछले वर्ष रह गया था वो अंतिम स्कंद कहलाया था, और वापस जब हम उसको नए साल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वही अंतिम स्कंद जो पिछले साल बचा था वही इस नए वर्ष के लिए प्रारंभिक स्कंद कहलाता है, तो उसको हम डेबिट साइड में लिखते हैं। क्रय किया गया जो माल है उसको हम डेबिट साइड में लिखते हैं व्यापार खाते के, और साथ ही साथ विक्रय वापसी की अगर जो राशि, क्योंकि वो भी व्यापार में आई विक्रय वापसी की राशि, तो उसको हम डेबिट साइड में लिखते हैं। और बहुत सारे इसी तरह के जो अदर जो होते हैं उनको हम क्रेडिट में लिखते हैं, जैसे विक्रय किया हमने माल या क्रय वापसी किया तो गया माल, अंतिम स्कंध जो है वो हम व्यापार खाते के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो इस तरह से एक नियमानुसार हम व्यापार खाता बना लेते हैं और व्यापार खाता का जो बैलेंस आता है, शेष आता है, उसको हम फिर लाभ हानि खाते में ट्रांसफर कर देते हैं।
अब अगर हम बात करें लाभ हानि खाते की, तो यहाँ पर भी हम बिल्कुल ऐसे ही कुछ नियम फॉलो करते हैं। यहाँ पर हम सभी अप्रत्यक्ष व्यय जो होते हैं उनको हम डेबिट साइड में लिखते हैं, और आय जो होती है जैसे कमीशन प्राप्त किया, किराया प्राप्त किया, ब्याज प्राप्त किया, बट्टा प्राप्त किया, इस तरह के जो आय होते हैं उन सभी को हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं लाभ हानि खाते के। और इसका जो डिफरेंस आता है दोनों का, लाभ हानि खाते का, वहाँ पर हम देखते हैं कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। क्रेडिट बैलेंस अगर है तो हम ये जान लेते हैं कि लाभ हो रहा है, और ये जो लाभ की राशि होती है उसको हम जब बैलेंस शीट बनाते हैं वहाँ पर हम जोड़ कर लिखते हैं कैपिटल में, पूंजी में। और दूसरी एक कंडीशन, अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है, लॉस आ रहा है, तो वो जो बैलेंस होता है लाभ हानि खाते का उसको हम कैपिटल में माइनस कर देते हैं। और इसके साथ साथ कुछ पंजी प्रविष्टियां भी की जाती हैं, तो आइए देखते हैं कि लाभ हानि खाते जब हम बनाते हैं तो उसके दौरान हम कौन कौन सी पंजी प्रविष्टियां कर सकते हैं। निम्नलिखित तलपट से खनुजा की बहियों में अंतिम प्रविष्टि 31 दिसंबर 2008 को कीजिए। रहतिया स्टॉक 1000, मशीनरी 2000, क्रय 18000, ईंधन 1000, मजदूरी 4000, कारखाना रोशनी फैक्ट्री लाइट 1000, सैलरी 6000, डिस्काउंट 800, कटौती प्राप्त यानी डिस्काउंट रिसीव 200, ऑफिस एक्सपेंसेस 3000, सेल्स 30000, कमीशन रिसीव 400, डेटर्स 1000, रेंट एंड टैक्सेस 500, स्टेशनरी 600, ट्रेड एक्सपेंसेस 200, कैरेज आउटवर्ड 600, कैरेज इनवर्ड 300, कैपिटल 18400, क्लोजिंग स्टॉक 10000। यहाँ पर क्योंकि हमको एंट्रीज करनी है, क्लोजिंग एंट्री करनी है, यहाँ पर जो व्यवहार दिए गए हैं उनके आधार पर, तो यहाँ हम सबसे पहले जब जनरल एंट्री करेंगे तो जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनको सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर कर लेंगे। और जैसे कि हमने जनरल एंट्री में देखा उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर एंट्री करेंगे, तो यहाँ हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर की जो एंट्री होगी उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ लिखेंगे 2008 31 दिसंबर, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 1000, टू परचेस अकाउंट 18000, टू फ्यूल अकाउंट 1000, टू वेजेस अकाउंट 4000, टू फैक्ट्री लाइटिंग 1000, टू कैरेज इनवर्ड 300। यहाँ पर हमने सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लिए हैं और ट्रेडिंग टोटल जो है इनका वो है 25,300, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में चले जाएगा। नरेशन हम यहाँ लिख लेंगे, बीइंग ट्रांसफर ऑफ अबो अकाउंट बैलेंसेस इनटू ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद जो सेल्स से रिलेटेड जो एंट्री है वो हो जाएगी, क्योंकि सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, बीइंग ट्रांसफर ऑफ सेल इनटू ट्रेडिंग अकाउंट 30,000। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आएगा, यहाँ हम एंट्री कर लेंगे क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 10,000 से। और फिर जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो ट्रांसफर हो जाता है, ग्रॉस जो बचता है वो ट्रेडिंग अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस में वो बैलेंस जो है वो ट्रांसफर हो जाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट एक बार डेबिट हुआ है 25,300 से, और दो बार क्रेडिट हुआ है 30 और 10,000 यानी कि 40,000 से। तो डिफरेंस जो बचता है 14,700 का, वो बैलेंस बचता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसके लिए हम जनरल एंट्री पास करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बीइंग ट्रांसफर ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, और 14,700 से हम उसकी एंट्री करेंगे। अब इसमें हमको कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दिख रहे हैं, तो उसकी जो एंट्री है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं। तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, टू डिस्काउंट अकाउंट, टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट, टू रेंट अकाउंट, टू स्टेशनरी अकाउंट, टू ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट, टू कैरेज इनवर्ड, टू कैरेज आउटवर्ड अकाउंट। और नरेशन यहाँ पर हम लिखेंगे बीइंग ट्रांसफर द बैलेंस ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने यहाँ लिखे हैं क्रेडिट साइड में उनका टोटल है 11,700, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में यहाँ पे लिख देंगे। और एक पॉइंट हमको यहाँ पर दिख रहा है कि डिस्काउंट और कमीशन जो है वो रिसीव हुआ है, तो ये एक रेवेन्यू इनकम है, और इसके लिए हम जनरल एंट्री करेंगे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट
कमीशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में आएगा क्योंकि इनकम है, तो 600 से हम इसकी एंट्री करेंगे, 200 का डिस्काउंट है और कमीशन है हमारा 400 का, और टोटल 600 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। और नरेशन हम यहाँ पर लिखेंगे बिंग ट्रांसफर ऑफ रेवेन्यू इनकम इनटू प्रॉफिट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद जो बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, उसको हम नेट प्रॉफिट मान के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पर जब प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस निकालेंगे तो एक लेजर में अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए तो हम देखेंगे कि सबसे पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पर फोर्थ एंट्री में हम देख रहे हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंस है 14,700 वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आ रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में हम यहाँ पे लिखेंगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट 14,700, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस 600 से फिर से क्रेडिट हुआ है एक एंट्री में, तो उसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और टोटल यहाँ पर हम देखते हैं तो क्रेडिट साइड का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल है वो आ रहा है 15,300 से, और फिर डेबिट साइड का जो बैलेंस है वो केवल 11,700 ही दर्शा रहा है। तो बैलेंस की जो अमाउंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ जाएगी, और माइनस जब हम करेंगे 15,300 में से 11,700 तो बैलेंस 3,700 जो है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो हमने लाभ हानि खाता और व्यापार खाता दोनों के बारे में जाना। प्रारूप लगभग एक जैसा ही होता है, लेकिन जो लिखने के एंट्रीज होती हैं उनमें काफ़ी भिन्नता होती है। कुल मिलाकर हम कहें तो वास्तव में व्यापार खाता और लाभ हानि खाता अपने आप में दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो आइए देखते हैं व्यापार खाता और लाभ हानि खाता में क्या अंतर है। व्यापार खाता तैयार करने के लिए की जाने वाली अंतिम प्रविष्टियां इस प्रकार होगी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट टू परचेस अकाउंट टू कैरेज इनवर्ड अकाउंट टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बीइंग ट्रांसफर ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट्स। सेकेंड एंट्री होगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट बीइंग ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट। थर्ड एंट्री होगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट बीइंग क्लोजिंग स्टॉक ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। फोर्थ एंट्री होगी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिफ्थ एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट बीइंग ट्रांसफर ऑफ ग्रॉस लॉस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लाभ हानि खाता तैयार करने के लिए की जा रही अंतिम प्रविष्टियां इस प्रकार होंगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरीज अकाउंट टू इंश्योरेंस अकाउंट टू रेंट अकाउंट टू ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट टू रिपेयर अकाउंट टू बैड डेट्स अकाउंट टू कैरेज आउटवर्ड अकाउंट बीइंग फॉर द ट्रांसफर ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सेकेंड एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कमीशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट being the transfer of the credit balance of account. Third entry hogi profit and loss account debit to capital account being transfer of net profit. Fourth entry hogi capital account debit to profit and loss account being transfer of net loss. प्रारंभिक व अंतिम प्रविष्टियों में अंतर। आधार, प्रारंभिक प्रविष्टियां गत वर्ष के चिट्ठे के आधार पर बनती हैं, जबकि अंतिम प्रविष्टियां चालू वर्ष के तलपट के आधार पर बनती हैं। दूसरा, संबंधों के आधार पर प्रारंभिक प्रविष्टियों के आधार पर नए वर्ष में खाते खोले जाते हैं, जबकि अंतिम प्रविष्टियों के आधार पर चालू वर्ष के अंत में खाते बंद किए जाते हैं। मदों के आधार पर प्रारंभिक प्रविष्टियों में वस्तुगत यानी माल खातों को छोड़कर वह व्यक्तिगत मदे शामिल होती हैं, जबकि अंतिम प्रविष्टियों में आय व व्यय तथा माल खाते के कुछ मद शामिल होते हैं। मदों को लिखना, प्रारंभिक प्रविष्टियों में चिट्ठे के दोनों पक्षों की सभी मदें लिखी जाती है, जबकि अंतिम प्रविष्टियों में तलपट की कुछ मदें ही आती हैं। समय के आधार पर प्रारंभिक प्रविष्टियों को वर्ष के प्रथम दिन लिखा जाता है, जबकि अंतिम प्रविष्टियों को वर्ष के अंतिम दिन लिखा जाता है।
तो आपने देखा कि व्यापार और लाभ हानि खाता एक दूसरे से भिन्न है। हमने इससे संबंधित कुछ क्रियात्मक प्रश्न भी देखे। इस पूरे अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार पंजी प्रविष्टियां जो है प्रारंभिक प्रविष्टियां होती हैं, उनके आधार पर हम किस प्रकार खतौनी यानी कि खाता बही का निर्माण करते हैं, लेजर हम बनाते हैं, कितना महत्वपूर्ण होता है ये लेजर। आपने देखा कि किस प्रकार पंजी प्रविष्टियों में जिन समस्त प्रविष्टियों को पूरी की पूरी एंट्रियों को हमने एक साथ लिख दिया था, वहीं जब हमने खाता बही में खतौनी की तो हर अलग अलग प्रविष्टि के लिए एक अलग अलग खाता बना। इससे एक महत्वपूर्ण लाभ ये होता है कि बहुत आसानी से हमको अलग अलग खातों के बारे में, चाहे वो व्यक्तिगत खाता हो, वास्तविक हो या अवास्तविक, सभी के बारे में अच्छी जानकारी हमको एक प्रोसेस के माध्यम से, एक प्रक्रिया के माध्यम से बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर लेखांकन की प्रक्रिया समाप्त नहीं होती है। जैसे कि हमने देखा कि प्रारंभिक और अंतिम प्रविष्टियां जारी रहती हैं, तो आगे आने वाले अध्यायों में देखेंगे कि किस प्रकार जनरल के बाद लेजर और लेजर के बाद लेखांकन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है।